वेलकम टू हेल्थ केयर एट होम। पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे ल्यूकोडर्मा के बारे में, तो उसी एपिसोड को हम कंटिन्यू करते हैं और रेमेडीज में आपको बताता हूँ ल्यूकोडर्मा अगर आपको हो गया हो जिसमें पूरी स्किन पे व्हाइट पैच आ जाते हैं तो क्या करना है। ल्यूकोडर्मा वालों के लिए एक उपाय बहुत अच्छा है जो बहुत कारगर भी है। तांबे का एक बर्तन ले लें और उसमें पानी भर के आपको रखना है रात भर। जो तांबे का बर्तन है उसी में पानी रहने दें, रात भर रहने दें और सुबह आप उस पानी का सेवन करें। उससे क्या होगा कि उससे आपकी अंदरूनी जो वो पानी जाता है वो अंदरूनी तौर पे ल्यूकोडर्मा से आपको रिकवरी देता है। तो जब भी आप पानी पी रहे हैं कोई तांबे का कलसा रख लें, उसी में पानी भरें और वो पानी का सेवन करें। आप अगर दिन भर कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सुबह खाली पेट तो ज़रूर 1 से 2 ग्लास वो पानी का आप सेवन कर लें जो तांबे वाला पानी है, तो आप देखेंगे कि आपको ल्यूकोडर्मा में काफ़ी आराम मिलेगा। इसके अलावा एक दूसरा उपाय बताता हूँ, रेड क्ले ले लें आप। रेड क्ले यानी लाल मिट्टी जिसको गेरू भी कहते हैं, तो रेड क्ले लेना है और अदरक का जूस निकाल लेना है। लगभग जितना बड़ा आपका पैच है उस हिसाब से आप मिट्टी ले लें और अदरक का उसी हिसाब से आप जूस निकाल लें। समझिए अगर आपको एक छोटा सा पैच है तो आप इतना बड़ा टुकड़ा मिट्टी का ले लें और उसमें लगभग 4-5 चम्मच अदरक का जूस निकाल लें। अदरक को ग्रेट करके कपड़े से बांध के या अदरक को पीस के और एक कपड़े से छान लें तो जूस निकल आएगा। और ये जो गेरू है, लाल मिट्टी है, रेड क्ले है, इसको अदरक के जूस में भिगो के रखना है और जब ये भीगी रहेगी उसके बाद इसको उंगली से चलाते हुए इसका एक पेस्ट बना लेंगे आप, पेस्ट जैसा बन जाएगा और जहाँ पर भी आपको व्हाइट पैच आ गया है वहाँ पर ये पेस्ट आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करके आपको छोड़ देना है, जब तक कि ये सूख ना जाए तब तक इसको छोड़ देना है और उसके बाद पानी से इसको धो लें आप। आप देखेंगे 2 से 3 महीने के अंदर आपकी जो स्किन है जो व्हाइट हो गई थी वो गायब होने लगेगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, अनार के पत्ते होते हैं, पोमेग्रेनेट का जो पेड़ होता है उसके पत्ते ले लें आप और उन पत्तों को सुखा लें और जो सूखे हुए पत्ते हैं उसका आप पाउडर बना लें, पीस लें उसको, चूर्ण बना लें उसका और 8 ग्राम के लगभग वो पाउडर आप गर्म पानी के साथ सेवन करें। आप देखेंगे कि आपको ये ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है इसमें बहुत आराम आएगा। और इसके अलावा और उपाय बताता हूँ मैं, काली दाल जो होती है, काली वाली दाल होती है, उड़द दाल जिसको कहते हैं, काली वाली दाल, उसको भिगो लें आप और उसको भिगो के उसका पेस्ट बना लें और ये पेस्ट भी अगर आप ल्यूकोडर्मा का जो पैच है उस पर लगाएं, सूखने दें और धो लें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। एक बहुत अच्छा नुस्खा है नीम की पत्ती का जूस। नीम की पत्ती में एक खासियत होती है कि किसी भी तरह के बैक्टीरिया को, कीटाणु को, हर चीज़ को, स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर देती है। तो अगर आप कर सकते हो तो 1 ग्लास नीम के पत्ते का जूस पी लें। ये जूस पीने से आप देखेंगे कि आपको ल्यूकोडर्मा में इतना आराम आएगा और साथ में किसी भी स्किन डिजीज़ में, अगर आपको कोई दूसरी स्किन डिजीज़ भी हो रही है तो वो होगी ही नहीं। इसके अलावा एक उपाय और बताता हूँ मैं, चूँकि मैंने बोला है ढेर सारी रेमेडीज़ देनी है, मैंने अलग अलग कंट्रीज़ में जाता है, हर कंट्री के लिए एक ना एक रेमेडी उनको घर पे ही मिलनी चाहिए, तो एक उपाय और बताता हूँ मैं। गौमूत्र ले लें 100 ग्राम, 100 ग्राम ले लें नीम के पत्ते और 100 ग्राम लेना है गोबर का रस। गोबर का रस क्या होता है, गाय का गोबर ले लें, उसको एक कपड़े में बांध के आप रख देंगे तो उससे धीरे धीरे लिक्विड निकलता रहेगा। ये 100 ग्राम गोबर का रस ले लें और 100 ग्राम लेने हैं आपको बावची के चूर्ण। इन सबको पीस लें और पीस के आप एक पेस्ट जैसा तैयार हो जाएगा। ये पेस्ट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप देखेंगे कि ल्यूकोडर्मा में आपको बहुत ज़्यादा लाभ होता है। किसी भी तरह की स्किन डिजीज़ हो उसमें आप ये लगाएं, ये बहुत ज़्यादा कारगर नुस्खा है आयुर्वेद में जिसका बखान है। तो ये अगर आप कर सकें किसी जगह पे, खासतौर पे हिंदुस्तान में तो किया ही जा सकता है, तो अगर हिंदुस्तान में किसी को श्वेत कुष्ठ या ल्यूकोडर्मा की प्रॉब्लम है तो वो ये प्रयोग कर लें। इसके अलावा अर्जुन की छाल होती है, अर्जुन की छाल बड़ी फेमस है, अर्जुन की छाल और पुनर्नवा मूल, इन दोनों को अगर गौमूत्र के साथ पीस लें और पेस्ट बनाकर आप ल्यूकोडर्मा वाले पैच पर लगाएं तो आप देखते हैं कि बहुत ही जल्दी आपको पहले दूसरे तीसरे दिन से ही उसका इफेक्ट दिखने लगता है। अर्जुन छाल, पुनर्नवा मूल, गौमूत्र के साथ पीस के आपको लगाना है। इसके अलावा अखरोट और अंजीर का प्रयोग करें। अखरोट ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है और अंजीर जो है ये पिगमेंटेशन, लॉस ऑफ पिगमेंटेशन जो है, स्किन पिगमेंटेशन, इसको रोकती है। तो आप सुबह खाली पेट 2 अंजीर ले लें और 4 अखरोट ले लें, इसका सेवन करें तो आपको ल्यूकोडर्मा में आराम मिलेगा। तो थे ना बिल्कुल आसान आसान से उपाय।
थोड़े से कठिन भी थे, इसमें कुछ एक गौमूत्र वाले खासतौर पे कठिन थे, लेकिन बाकी हमने इतनी रेमेडीज़ बताई हैं, इनका इस्तेमाल कीजिए और ल्यूकोडर्मा को दूर भगाइए। बाकी हमारी कामना तो यही है कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हमसे मिलते रहें। हमसे मिलने के लिए आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को बोलें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, घर बैठे स्वास्थ्य लाभ पाएँ और डॉक्टर को दूर भगाएँ। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।